This video is very important to you if you are fond of English literature. दोस्तों, English world में अक्सर हमारा सामना कुछ ऐसे words से होता है जिनके कोई ना कोई अक्षर silent होते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये letters यानी अक्षर silent होते क्यों हैं? और जब इन letters को बोलना ही नहीं था, pronounce नहीं करना था, तो उन अक्षरों को शब्दों में डाला क्यों गया, लिखा क्यों गया? और मान लो लिख ही दिया गया तो बोलने में प्रॉब्लम क्यों होती है? फ्रेंड्स, आई एम इंग्लिश टीचर एंड इंग्लिश मेंटर पप्पूलाल. आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड टच ऑन बेल आइकन टू रिसीव माई इंफॉर्मेटिव वीडियोस. इस वीडियो में पहले आप जानेंगे इंग्लिश लेटर्स कहां कहां साइलेंट होते हैं, और इसके बाद सेकेंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें आप जानेंगे कि साइलेंट लेटर्स को प्रोनाउंस नहीं करना था तो उनको लिखा क्यों गया. इसमें हम लोग शब्दों के ओरिजिन, हिस्ट्री और एवोल्यूशन के बारे में जानेंगे. तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, ए टू जेड सारे अक्षर कहां कहां और कब कब साइलेंट होते हैं. कुछ शब्दों को देखिए. साइलेंट लेटर ए, ब्यूटी, इसमें ए साइलेंट है तो इसका प्रोनंसिएशन होगा ब्यूटी, क्योंकि ए के बाद ए अक्सर साइलेंट होता है. कुछ और वर्ड देखिए, आर ई ए डी, रीड, यहां भी ए साइलेंट है तो इसको प्रोनाउंस करेंगे रीड. पी ई ए, इसको प्रोनाउंस करेंगे पी. बी ई ए एन, इसको प्रोनाउंस करेंगे बिन. बी ओ ए आर डी, इसको प्रोनाउंस करेंगे बोर्ड. इन सारे वर्ड्स में ई के बाद ए है या ओ के बाद ए है, इसीलिए ए लेटर साइलेंट है. साइलेंट लेटर बी, कुछ शब्दों को देखिए. सी ओ एम बी, प्रोनंसिएशन कॉम. बी ओ एम बी, उच्चारण होगा बॉम. टी एच यू एम बी, प्रोनाउंस करेंगे थम. सी एल आई एम बी, बोलेंगे क्लाइम. डी ई बी टी, प्रोनंसिएशन डेट. डी ओ यू बी टी, प्रोनंसिएशन डाउट. जी ओ ए टी, प्रोनंसिएशन गोट. ऊपर के चारों शब्दों को देखिए, एम के बाद बी आया है और बी लास्ट लेटर है, इसीलिए बी साइलेंट है. नीचे के दोनों वर्ड्स के स्पेलिंग डी ई टी और डी ओ यू टी ही थी, बाद में बी को डाला गया. जी हाँ, आई एम राइट, बी को बाद में ऐड किया गया. साइलेंट लेटर सी, एल ओ सी के, प्रोनंसिएशन लॉक. बी एल ओ सी के, प्रोनंसिएशन ब्लॉक. बी एल ए सी के, प्रोनंसिएशन ब्लैक. क्यू यू आई सी के, प्रोनंसिएशन क्विक. एस टी आई सी के, प्रोनंसिएशन स्टिक. ए सी के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई, प्रोनंसिएशन एक्नॉलेज. इन सभी शब्दों में देखिए के पहले सी आया है, इस कंडीशन में सी लेटर साइलेंट रहता है. कुछ और वर्ड्स देखिए. एम यू एस सी एल ए, प्रोनंसिएशन मसल. एस सी ई एन ई, प्रोनंसिएशन सिन. एस सी आई ई एन सी ई, प्रोनंसिएशन साइंस. इन तीनों में देखिए एस के बाद सी आया है, इस कंडीशन में भी सी साइलेंट रहता है. साइलेंट लेटर डी, हैंडसम, सैंडविच. इसमें देखिए दो शब्दों को मिलाकर एक वर्ड बनाया गया है. इस कंडीशन में यदि फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर डी रहता है तो प्रोनंसिएशन करते समय डी को साइलेंट कर दिया जाता है ताकि इंग्लिश फ्लुएंटली बोली जा सके. कुछ और वर्ड्स को देखिए. ब्रीज, एज, गैजेट या नॉलेज. इस तरह के वर्ड्स में डी के बाद जी है तो इस कंडीशन में वर्ड्स में बिना रुकावट फ्लुएंटली बोलने के लिए डी को साइलेंट कर दिया जाता है. एक और कॉमन वर्ड है वेनसडे, यहां भी धारा प्रवाह बोलने के लिए डी को साइलेंट किया गया है. आइए साइलेंट लेटर ई को देखिए. फाइन, नोट, साइड, एट, प्लेट, पाइप, रेट, हाइट, राइप, स्टेट, स्लेट और सेक.
इन सारे वर्ड्स के लास्ट में ई लेटर यूज हुआ है, इस कंडीशन में ई साइलेंट हो जाता है। साइलेंट लेटर एफ, स्टिफ, स्टफ, क्लिफ, बिफ, डिफ, इसमें फर्स्ट एफ प्रोनाउंस होता है जबकि सेकेंड एफ साइलेंट होता है। साइलेंट लेटर जी, नो, नैट, नॉर्ल, नैश, साइन, फॉरेन, अलाइन, कैंपिन, इन वर्ड्स में आप देख रहे हैं कि जी के बाद एन आया है तो इस कंडीशन में जी साइलेंट होता है। नेक्स्ट साइलेंट लेटर एच, ऑनेस्ट, आवर, व्हाट, एयर, राइम, रिदम, अगस्ट, व्हाइट, इन सारे शब्दों को फ्लुएंटली बोलने के लिए एच को साइलेंट किया गया है। अगला साइलेंट लेटर है जी एच, लाफ, रफ, कफ, इन शब्दों में जी एच लिखा तो गया है लेकिन इनका उच्चारण फ होता है न कि ग ह। साइलेंट लेटर आई, बिजनेस, कंफ्यूजन, विजन, मेंशन, डिसीजन, इन सारे शब्दों में एस के बाद आई को प्रोनाउंस नहीं किया गया है। कुछ और वर्ड्स देखिए, सोशल, स्पेशल, यहां भी सी के बाद आई को प्रोनाउंस नहीं किया गया है। साइलेंट लेटर जे, दो वर्ड ही ऐसे हैं जिसमें जे साइलेंट है, मेरियोना मीन्स भांग या गांजा, एलेपिनो मीन्स ये मेक्सिको की हरी मिर्च है। अब देखिए के एज ए साइलेंट लेटर, नो, नॉलेज, नाइफ, नॉक, नी, नाइट, नील, इनमें देखिए एक तरह की समानता है और के और एन एक साथ है, इस तरह के वर्ड में के साइलेंट रहता है। कुछ और वर्ड्स को देखिए, नॉट, निक, नीट, नॉब, नकल, नैक और नैपसेक, ये सारे के सारे वर्ड जर्मन ओरिजिन है, इसीलिए के को रहने दिया गया क्योंकि इससे वर्ड्स के ओरिजिन का पता चलता है। और ये कभी बोले जाते थे, जी हाँ बोले जाते थे, लेकिन बोलने में फ्लुएंसी बन नहीं पाती थी, इसीलिए के को साइलेंट कर दिया गया। साइलेंट लेटर एल, कुड, शुड, ओड, काम, बाम, पाम, इन सारे वर्ड्स में एल लेटर साइलेंट है। कुछ और वर्ड्स को देख लीजिए, फॉक, टॉक, वॉक, काफ, हाफ, इनके प्रोनंसिएशन को सिंप्लीफाई करने के लिए एल लेटर को साइलेंट किया गया है। साइलेंट लेटर एम, निमोनिक्स, इस वर्ड को ग्रीक से लिया गया है जिसकी मीनिंग है स्मृति विज्ञान, ये नाउन है, निमी ये भी नाउन है, निमिक, यहां आप देख रहे हैं कि एम की राइटिंग हुई है लेकिन ये साइलेंट है। अगर किसी वर्ड में फर्स्ट लेटर एम हो और सेकेंड लेटर एन हो तो एम साइलेंट होता है। साइलेंट लेटर एन, कॉलम, डेम, ऑटम, हाइव, ये सारे वर्ड ग्रीक ओरिजिन है, इन वर्ड्स में एम के बाद एन है, इस कंडीशन में एन लेटर साइलेंट होते हैं। साइलेंट लेटर ओ, कफ, एनफ, रफ, टफ, कर्नल, इन सारे वर्ड्स में ओ लेटर्स साइलेंट हैं। साइलेंट लेटर पी, निमोनिया, साइकोलॉजी, टर्मिगन, जाम, ये सारे वर्ड्स ग्रीक ओरिजिन है, यहां पी लेटर को साइलेंट किया गया है। कुछ और वर्ड्स को देखिए, ग्राफ, फोन, फोटो, यहां पी एच को फ से प्रोनाउंस किया गया है, यहां भी पी साइलेंट है। दो वर्ड्स और देखिए, कबर्ड, सी यू पी बी ओ ए आर डी, देखिए कप बोर्ड बोलते क्या है, कबर्ड, और रिसीट, यहां भी पी साइलेंट है। साइलेंट लेटर क्यू, रैकेट और लैकर, यहां क्यू लेटर को साइलेंट किया गया है। साइलेंट लेटर
are bird, cart, where, father, iron, work, word, important, teacher, sister, mother. यहां आर लेटर को साइलेंट किया गया है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में आर को प्रोनाउंस किया जाता है. साइलेंट लेटर एस. आइल, आइलैंड, डेब्री, आइलैंडेड, आइल, अप्रोपा. यहां एस लेटर को साइलेंट किया गया है. साइलेंट लेटर टी. लिसन, कैसल, व्हिसल. यहां लिस्टेने, कैस्टेले, व्हिस्टेले तो नहीं बोलेंगे ना, बोलने में भी अजीब लगेगा और फ्लुएंसी में भी दिक्कत होगी, इसीलिए यहां टी को साइलेंट किया गया है. लिसन और व्हिसल जर्मन ओरिजिन वर्ड हैं, जबकि कैसल फ्रेंच ओरिजिन है. कुछ और वर्ड्स देखिए, बैच, मैच, कैच, ऑफन. यहां भी टी को साइलेंट किया गया है. साइलेंट लेटर यू. टंग, लीग, एंटिक. इन तीनों वर्ड्स की सिमिलरिटी को देख रहे हैं, इस कंडीशन में यू लेटर साइलेंट रहेगा. कुछ और वर्ड्स को देखिए, गार्ड, गिल्टी, गिटार. जब भी जी के बाद यू रहेगा, यू साइलेंट रहेगा. एक वर्ड और, बिस्किट. इसे आप बिस्कुट तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि यू लेटर के बाद कोई वॉवेल लेटर आता है तो यू साइलेंट हो जाता है. साइलेंट लेटर वी. रेविंग, डेवी, फ्लिवर, चीवी, स्कीवी. इस कंडीशन में सेकेंड वी साइलेंट होता है. फिर देखिए साइलेंट लेटर डब्ल्यू. राइट, राइट, रॉन्ग, रिंकल, रिंग, रिस्ट. ये सारे वर्ड्स जर्मन ओरिजिन हैं. इस कंडीशन में अगर फर्स्ट लेटर डब्ल्यू के साथ आर का प्लेसमेंट रहता है तो डब्ल्यू लेटर साइलेंट होता है. एक वाकया आपसे शेयर कर रहा हूं. एक बार मैं राजस्थान गया था, वहां के सभी लोग तो नहीं लेकिन कुछ लोग आंसर को अनुस्वार बोलते हैं, जो सरासर गलत प्रोनंसिएशन है. कुछ और वर्ड्स को देखिए, सोड, टू, रेंच, होल. यहां भी डब्ल्यू लेटर साइलेंट होता है. साइलेंट लेटर एक्स. जेरोक्स. यहां एक्स को जॉ प्रोनाउंस किया गया है, यानी एक्स लिखा तो गया है लेकिन इसे साइलेंट कर दिया गया है. कुछ और वर्ड्स लीजिए, फॉ, रू, सीव, बुडाऊ. ये फ्रेंच वर्ड है, तो यहां आप देख रहे हैं कि एफ को साइलेंट किया गया है. सेकेंड लास्ट साइलेंट लेटर वाई. मेयर, प्रेयर, प्लेयर. यहां भी वाई लिखा तो गया है लेकिन प्रोनाउंस नहीं किया गया है. नाउ लास्ट साइलेंट लेटर इज जेड. रेंडेवियो मीन्स मिलन स्थल. लेसी फेयर मीन्स अहस्तक्षेप. लेसी अलर मीन्स असंयम. ये सारे फ्रेंच ओरिजिन वर्ड्स है. यहां आप देख रहे हैं कि इन सारे वर्ड्स में जेड लेटर लिखा तो गया है लेकिन प्रोनाउंस नहीं किया गया है. सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि साइलेंट लेटर्स को प्रोनाउंस ही नहीं करना था तो उनको लिखा क्यों गया, उन्हें शब्दों से हटाए क्यों नहीं गया. इसके दो रीजन है. फर्स्ट रीजन इज, कुछ शब्दों को लीजिए. फर्स्ट वर्ड इज नो. इस वर्ड के बारे में बताने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं. जहां इंग्लिश में फाइव वॉयल्स होते हैं, उनके पांच से सात साउंड्स होते हैं, वहीं शॉर्ट हैंड में डिप्थोंग और ट्राइफोन को मिलाकर 45 से ज्यादा साउंड्स होते हैं. जी हाँ, आई एम राइट. कभी पीट्समैन की शॉर्ट हैंड बुक पढ़िएगा. तो चलिए देखते हैं नो वर्ड को. शुरू में जब आपका भी सामने इस वर्ड से हुआ होगा तो लगा होगा कि नो की स्पेलिंग कैसे क्यों शुरू होती है, के एन ओ डब्ल्यू. अब जरा के लेटर को हटा दीजिए तो क्या होगा, एन ओ डब्ल्यू, जो पहले से एक शब्द है और इसका प्रोनंसिएशन है नाउ. लेकिन यहां तो आप नो बोल रहे हैं, तो अब नो वर्ड से जरा के और डब्ल्यू को हटाकर देख लीजिए तो हो जाएगा नो. ये वर्ड भी ऑलरेडी है,
अब इस वर्ड को बोलने के टाइम पर सुनने वालों को क्या कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा नो, जानने वाला नो या अब वाला नो कि नहीं वाला नो। इस के लेटर को रखने का एक रीजन और है, ये जर्मन ओरिजिन वर्ड है, तो अकॉर्डिंग टू ग्रामेरियंस इस के को रखा गया जिससे इस वर्ड के ओरिजिन का भी पता चले। अब कुछ और वर्ड लीजिए, TWO, टू का उच्चारण टू होता है, इसमें W साइलेंट है, जरा हटाकर देखिए टू हो जाएगा TO। TWO में दो बार O का यूज किया गया है, इसमें से भी एक वो हटाकर देखिए तो यह भी टू हो जाएगा। अब कोई आपसे बोलेगा टू, तो क्या आपकी समस्या और ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी? कौन सा टू, दो वाला टू, भी वाला टू या डिस्टेंस को दर्शाने वाला टू? अब इन्हें देखिए, डब्ल्यू आर आई टी ई राइट मीन्स लिखना, आर आई जी एस टी राइट मीन्स ठीक, आर आई टी ई मीन्स धार्मिक उत्सव, डब्ल्यू आर आई जी एस टी मीन्स कारीगर। अब अगर डब्ल्यू आर आई टी ई राइट, आर आई जी एस टी राइट या डब्ल्यू आर आई जी एस टी राइट के साइलेंट लेटर को हटा दिया जाए तो समझना और भी मुश्किल हो जाएगा कि लिखने वाले राइट की बात हो रही है, कि सही वाले राइट की जानकारी दी जा रही है या कारीगर वाले राइट को कहा जा रहा है या फिर धार्मिक उत्सव वाले राइट को प्रोनाउंस किया जा रहा है। इस तरह के तमाम शब्द हैं जिन्हें कभी हटाकर देखा गया, जी हाँ हटाकर देखा गया, तो इंग्लिश और कॉम्प्लिकेटेड होती दिखने लगी। कुछ और वर्ड्स को लीजिए जिन्हें फॉरेन लैंग्वेजेस से लिए गए, करी, सी यू डबल आर वाई, इसे कढ़ी शब्द से लिया गया है, ये हिंदी ओरिजिन है, सी ओ टी कॉट, इसे हिंदी के खाट शब्द से लिया गया है, एल डबल ओ टी, इसे भी हिंदी शब्द लूटना से लिया गया है। अंग्रेजों को बोलने में दिक्कत आती थी इसीलिए उन्होंने कढ़ी को करी कहा और खाट को कॉट कहा। ये तीनों हिंदी ओरिजिन वर्ड्स हैं। एक दो ओरिजिन वर्ड्स और लीजिए क्योंकि ज्यादा वर्ड्स बताने से ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी और मैं जो और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अरेबिक ओरिजिन वर्ड्स, अल्कोहल, कैरेट, सोफा। फ्रेंच ओरिजिन वर्ड डेट, इसकी स्पेलिंग कभी डी ई टी होती थी, डाउट, इसकी भी स्पेलिंग कभी डी ओ यू टी होती थी, यस स्कॉलर्स आई एम राइट। आइल, इसकी स्पेलिंग शुरू में आई एल ई होती थी, इसमें भी एस को जोड़ा गया जिससे इसके ओरिजिन को आइडेंटिफाई किया जा सके, लेकिन उस समय के ग्रामरियंस की मिसअंडरस्टैंडिंग थी क्योंकि बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ इसलिए कि वर्ड्स तो फ्रेंच ओरिजिन थे ही नहीं। इस तरह इंग्लिश में कुछ कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। एक जैपनीज वर्ड देखिए, सुनामी, जो टी से स्टार्ट होती है, कैचअप, के ई टी सी एच ए पी, एक चाइनीज वर्ड है, जरा स्पेलिंग पर गौर कीजिएगा। एक स्पेनिश ओरिजिन वर्ड देखिए, फ्रेंड, यहां भी आई साइलेंट है। दो ग्रीक वर्ड देखिए, साइकोलॉजी, निमोनिया, यहां भी पी लेटर साइलेंट है। ये सारे लेटर्स कभी बोले जाते थे, यस विवर्स आई एम क्वाइट राइट, कभी बोले जाते थे, एंशिएंट एरा में ये लेटर्स प्रोनाउंस होते थे, लेकिन इंग्लिश फ्लुएंसी को सिंप्लीफाई करने के लिए इन्हें साइलेंट कर दिया गया। एक इंफॉर्मेशन और, इंग्लिश लैंग्वेज को रिच लैंग्वेज कहा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेज को इसमें शामिल किया गया है। इसके पीछे रीजन ये है कि बहुत सालों तक पूरे वर्ल्ड में ब्रिटेन रूल्स का वर्चस्व रहा। इन ब्रिटिश लैंग्वेज की हिस्ट्री 1500 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन ईयर 1400 में इंग्लैंड में जब पहली बार प्रिंटिंग प्रेस आई तो सारे साइलेंट लेटर्स को भी प्रिंट किया गया। उस समय के ग्रामेरियंस ने कहा, बोलने में दिक्कत होती है, प्रोनाउंस मत कीजिए, राइटिंग करने में तो प्रॉब्लम नहीं है ना, रहने दीजिए, मत हटाइए, क्योंकि इससे उनके ओरिजिन का पता चलेगा। इसलिए उस समय के ग्रामेरियंस ने उन शब्दों को ओरिजिन के अकॉर्डिंग उनके लेटर्स को रहने दिया। तो ये उन वर्ड्स की हिस्ट्री है जो बहुत पुरानी है, उन साइलेंट लेटर्स के चलते ही जिन्हें लिखा जाता है उनके ओरिजिन का पता चलता है,
समय बीतता गया और एवोल्यूशन के हिसाब से सारे वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में चेंजिंग होता गया। तो 1500 साल से भी ज्यादा पुराने इंग्लिश को हम 40 या 50 या 70 साल से पढ़ने वाले लोग जज नहीं कर सकते। अगर आप इस पर उंगली उठाएंगे तो उल्टे आप पर ही आपके छिछले ज्ञान के कारण उंगली उठनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो जानकारी मैंने आपको दी है, जिन्हें कलेक्ट करने में मुझे कई साल लग गए, उन्हें तो आप जज कर ही सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन के नीड्स सभी को है, तो आप भी इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। उम्मीद है इस वीडियो को लाइक भी बहुत मिलेगा। मेनी मेनी थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो।